टीम जो हमने चेंज की बेसिकली विद द टाइम बीइंग आपको एज पर सिनेरियो आपको चेंजेस लेनी पड़ती हैं. हमने यही बेटर समझा और सर से के पास गए. मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही है. मेरा ख्याल है कि इसमें अब मैं क्या बोलूं, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो कुछ डिसीजंस हुए, मेरा ख्याल है पुलिस ने उसको मेरे से वो ले लिया. अगर कोर्ट ने मोजेज अदलिया ने कोई डिसीजन दिया है या उसमें तो उसमें मेरा तो वो नहीं था. सेकेंडली पुलिस ने जो है वो मेरे साथ अब तो खैर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे. एज पर सर उन्होंने बताया भी कि रिपोर्ट तक उन्होंने हमें नहीं दी. बाकी चीजें आपके सामने हैं. इस पे जी अगेन क्या सराइयों के ऊपर बातें कौन कर रहा है? क्या आपकी मुलजिम से बात हुई है? मेरे ख्याल में नहीं हुई है. अफवाहें क्या इंटेलिजेंस के दायरे से आई है? अगेन जब से मैं ये दो महीने से केस देख रहा हूं, जब मैं बतौर वकील भी नहीं देख रहा था, ऐसी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने आई. इसका मतलब क्या होता है? जब आप अफवाहों के पीछे भागते हैं और अफवाहें अगर आखिर में झूठी साबित होती हैं तो आपका केस कमजोर होता है. बेहतर है जो हकायक हमारे सामने हो हम उस पर स्टिक करें. यकीनी तौर के ऊपर अफवाहों पर फोकस करने से मामले ड्रामेटिक बन जाते हैं, शायद लोगों की दिलचस्पी उसमें हो जाए. बट यकीन जानिए मेरे लिए बहुत वाजे है ये बात कि फंडामेंटल वेलफेयर इस पूरे केस के अंदर सिर्फ एक इंसान का है जो कि एक कमसिन बच्ची है जिसका नाम दुआए जहरा है. पैरामाउंट वो चीज है. कोई हकायक अगर सामने आ रहे हैं, कोई अफवाहें अगर हैं और उनमें कोई अगर वाकई के अंदर तो सच्चाई है, सदाकत है, तो हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे. हम सिर्फ उन बातों पे बात करेंगे जो हकायक मेरे सामने हैं और सवाले से खदशा दूर करेंगे. यही बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची एक घर से गायब हुई है, वो एक दूसरे सूबे में पाई गई है, उसकी वहां पे निकाह हो गया है, उसको यहां से वहां तक कोई मुंतकिल करके लेके गया है. ये अपने आप में ही काफी बड़ा जुर्म है. अब इसके आगे क्या होगा मुस्तकबिल के अंदर उस बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी तक के हवाले से. और यकीनी जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने दरख्वास्त की है कि बच्ची को रिकवर करके प्रोड्यूस किया जाए, तो फिर जो भी आप अफवाहें कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, वो उसका इलाज उसी में है ना. कि अगर एक बार कोर्ट की सेफ प्रोटेक्शन के अंदर बच्ची आ जाएगी तो बाकी सारे मामला खुद ही एड्रेस हो जाते हैं जो आपको खदशात हैं कि हो सकते कि नहीं हो सकते. मगर जो खदशात मैटर करते हैं वो वालिद के मैटर करते हैं. उस सवाले से मैं अगेन रखूंगा.